गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू www.dineshmiglani.com. दिस इज ए सेशन ऑन इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट गवर्नर जनरल एंड वाइसरॉय ऑफ इंडिया. ए वेरी इम्पॉर्टेंट सेशन फॉर एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, आईबीपीएस, यूपीएससी, फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन. फॉर मोर वीडियोज यू मे लॉग इन टू अवर वेबसाइट www.dineshmiglani.com. Where you will find all videos relating to mathematics, reasoning, English for all competitive exam that are being including SSC, IBPS. Let us start with the session. Now in this we are directly talking about the different type of schemes or by different Governor Generals and Viceroys. First one is permanent settlement, that you know, in 1793 by Lord Cornwallis. ये फर्स्ट एफर्ट था इंडिया के अंदर, परमानेंटली लैंड को फिक्स कर दिया गया भी हु इज द ओनर ऑफ दिस लैंड, राइट, एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल टू पे द टैक्स, राइट. तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल बंगाल में किया गया था, परमानेंट सेटलमेंट बाय लॉर्ड कॉर्नवालिस. लॉर्ड वेल्सली इन 1798 ही मेड सब्सिडरी अलायंस, राइट. सब्सिडरी अलायंस, एबोलिशन ऑफ सती, लॉर्ड विलियम बेंटिक, वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट इन इंडियन हिस्ट्री. इंट्रोडक्शन ऑफ सिविल सर्विसेज, लॉर्ड कॉर्नवालिस हैज गिवन द कॉन्सेप्ट ऑफ सिविल सर्विसेज टू इंडिया. देन डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, रेलवे एंड पोस्ट टेलीग्राफ, थ्री वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट्स ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ लॉर्ड डलहौजी, राइट. इट दैट आर समवेयर फ्रॉम द पीरियड ऑफ 1850 टू 1856, राइट, बिकॉज एट दैट टाइम लॉर्ड डलहौजी वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया. रेलवे वॉज स्टार्टेड इन 1853, राइट. डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स में क्या था, इफ ए किंग डाइज, तो अगर उसका कोई फर्दर डिसेंडेंट नहीं है, कोई सन नहीं है, तो हिज होल प्रॉपर्टी विल डायरेक्टली शिफ्ट टू द ब्रिटिशर्स. तो दैट वॉज बेसिकली द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, राइट. तो दीज आर द रीजन्स, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स वॉज वन ऑफ द मेजर रीजन्स फॉर द फ्रीडम स्ट्रगल. रेलवेज एंड पोस्ट एंड टेलीग्राफ, ए ग्रेट कॉन्ट्रीब्यूशन बाय द ब्रिटिशर्स टू इंडिया, बिकॉज रेलवेज आफ्टर बींग मेड इमीडिएटली दे हैव बीन मेड इन इंडिया ऑल्सो, दे हैव कम टू इंडिया. द रीजन बिहाइंड इट, बिकॉज द ब्रिटिशर्स इन इंडिया केम एज ए मर्चेंट एंड दे वॉन्ट टू गेट मैक्सिमम प्रॉफिट फ्रॉम इंडिया, तो दैट्स वाई दे यूज दिस रेलवेज. मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम, इंग्लिश एजुकेशन, दैट इज गिवन बाय लॉर्ड विलियम बेंटिक, बिकॉज ही मेड कंपल्सरी, अर्लियर द पर्सियन वॉज द लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट, ही ऑल्सो मेड इंग्लिश ऑल्सो, तो दैट वॉज ए मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन बाय लॉर्ड विलियम बेंटिक फॉर इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया. वर्नैक्युलर एक्ट 1878, लॉर्ड लिटन, राइट. सिमिलरली आर्म्स एक्ट, बोथ आर द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉर्ड लिटन, राइट. देवर द वाइसराइज, बिकॉज आफ्टर 1858 क्वींस एक्ट, नाउ द हेड ऑफ द इंडिया वॉज नेम्ड एज वॉइस रॉय. लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, दैट वॉज गिवन बाय लॉर्ड रिपन, राइट. सेल्फ गवर्नमेंट, लॉर्ड रिपन. लॉर्ड मुंड्रो, ही हैज गिवन द कॉन्सेप्ट ऑफ रैयतवाड़ी सिस्टम, राइट. नाउ वी हैव टू टाइप ऑफ सिस्टम, रैयतवाड़ी एंड महलवाड़ी, राइट. ये जो रैयतवाड़ी सिस्टम था, all these are the parts of the land revenue collection system. Raiyatwadi means the government directly collect the tax from who is actually holding the land, right. Jo us pe tiller hai ya jo cultivator hai, government directly usi se hi land tax collect karti thi. So that system was given by Lord Munro. पार्टीशन ऑफ बंगाल, लॉर्ड कर्जन इन 1905, ए वेरी इवेंट बाय लॉर्ड कर्जन, दैट इज अ डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, एंड बिकॉज ऑफ दैट टूडे वी हैव बांग्लादेश. व्हाट लॉर्ड कर्जन हैज डन, एट दैट टाइम बंगाल वॉज नोन फॉर इट्स वेल्थ एज वेल एज फॉर द नेशनलिज्म. बंगाल हैज टू पार्ट्स, वन ईस्ट पार्ट एंड वेस्ट पार्ट. वेस्ट पार्ट इज डोमिनेटेड बाय हिंदूज and east part is dominated by Muslims. So what Lord Curzon has done, he has made two parts of Bengal. The reason that he had given that, it is difficult for administration because Bengal is a very big state,
राइट। एंड वो जो ईस्ट और वेस्ट बना था एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस व्हेन पाकिस्तान वाज मेड, तो ईस्ट पार्ट वाज नेम्ड एज ईस्ट पाकिस्तान। द रीजन वाज बिकॉज द पाकिस्तान वाज मेड ऑन द ग्राउंड वेयर वी हैव मुस्लिम डोमिनेटेड पॉपुलेशन, तो दैट ईस्ट पाकिस्तान वाज मेड। एंड इन 1971 इंडिया एंड पाकिस्तान वॉर, इट वाज मेड एज इंडिपेंडेंट कंट्री नेम्ड एज बांग्लादेश, राइट। दैट वाज एट द टाइम ऑफ लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, दैट इज वी हैव द रोलेट एक्ट। सिमिलरली साइमन कमीशन केम एट द टाइम ऑफ, दैट इज बाय मिस्टेक, लॉर्ड विलियम बेंटिंक वी डोंट हैव, राइट, दैट्स बाय मिस्टेक। सिपाही मिटनी इन 1857, एट दैट टाइम लॉर्ड कैनिंग, राइट। एंड लॉर्ड कैनिंग आफ्टर दैट मिटनी ही बिकम द फर्स्ट वाइसराय ऑफ इंडिया, लॉर्ड कैनिंग, राइट। क्वींस प्रोक्लेमेशन इन 1858, इन द टाइम पीरियड ऑफ लॉर्ड कैनिंग। फैक्ट्रीज एक्ट इन 1881, एट द टाइम ऑफ लॉर्ड रिपन, राइट। रिपील ऑफ वर्नैक्लोर एक्ट एट द टाइम ऑफ लॉर्ड रिपन, राइट। दीज टू मेजर इवेंट्स वर एट द टाइम ऑफ लॉर्ड रिपन, राइट। देन वी हैव इंडियन काउंसिल एक्ट, मॉडल मिंटो रिफॉर्म्स वर एट द टाइम ऑफ लॉर्ड मिंटो। देन पार्टीशन ऑफ बंगाल, लॉर्ड हार्डिंग टू, एंड ट्रांसफर ऑफ कैपिटल टू दिल्ली 1911 इन लॉर्ड हार्डिंग। दीज आर वेरी मेजर इवेंट्स एट द टाइम ऑफ लॉर्ड हार्डिंग, दैट आज पार्टीशन ऑफ बंगाल रिवोक्ड, वट वी हैव डन इन 1905, दैट वॉज रिवोक्ड, राइट, एज वेल एज द कैपिटल ऑफ इंडिया ट्रांसफर्ड टू दिल्ली। जॉर्ज फाइव केम टू इंडिया, दिल्ली दरबार वॉज हेल्ड इन 1911। डायरकी सिस्टम इन प्रोविंसेस इन 1919 रिफॉर्म्स विच आर नेम्ड एज मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, इन विच डायरकी सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस्ड। जलियावाला बाग ट्रेजडी इन 1919, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, चेम्सफोर्ड, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, ऑल दीज वर एट द टाइम ऑफ लॉर्ड चेम्सफोर्ड इन 1920। आफ्टर द जलियावाला बाग ट्रेजडी, इट वॉज कॉल्ड बाय गांधीजी, एंड बिकॉज ऑफ दैट चोरा चोरी इवेंट, दैट हैज बीन टेकन बैक। पूर्ण स्वराज रिजोल्यूशन एट द टाइम ऑफ लॉर्ड इरविन इन 1929 इन लाहौर, वेयर इट वॉज डिसाइडेड दैट एवरी ईयर ऑन 26 जनवरी इट वॉज ट्रीटेड एज ए कंप्लीट फ्रीडम इंडिपेंडेंस, बिकॉज बिफोर 1929 इंडिया कांग्रेस, वी कैन कॉल इट एज ए कांग्रेस, कांग्रेस वॉज जस्ट सीकिंग फॉर डोमिनियन स्टेटस और सम अदर वेज, राइट। बट इन 1929 इट वॉज डिसाइडेड दैट कंप्लीट फ्रीडम इज द सिंगल गोल ऑफ द कांग्रेस, एंड फ्रॉम दैट ईयर 26 जनवरी कंप्लीट इंडिपेंडेंस डे वॉज स्टार्टेड टू बी सेलिब्रेटेड। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन 1930, एट दैट टाइम सिविल डिसऑबिडियंस मोमेंट वॉज स्टार्टेड बाय गांधी जी एंड इट वॉज इन फुल स्विंग। डांडी मार्च गांधी जी हैज व्हिच इज नेम्ड एज साल्ट सत्याग्रह इन 1930, राइट। तो फॉर दैट द ब्रिटिशियस हैज इन्वाइटेड फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। अब देखो ये जो नाम था राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, इसका इतना ही मतलब था कि एक राउंड टेबल के अंदर इधर जो थे देवर द ब्रिटिशर ऑफिसर्स एंड एयर वी हैव द डेलीगेट्स फ्रॉम इंडिया, राइट। तो दैट्स वाई दीज आर नेम्ड एज राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो लॉर्ड इरविन के टाइम पे फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वॉज कॉल्ड, बट दैट वॉज नॉट सक्सेसफुल। द रीजन बिहाइंड इट, मुस्लिम लीग पार्टिसिपेटेड इन दैट, बट कांग्रेस डज नॉट पार्टिसिपेटेड इन दैट, एंड बिकॉज कांग्रेस इज ए मेजर स्टेक होल्डर, right, and because of that if Congress has not participated then no conclusion can be drawn, right. The first round table conference was totally failed. Now at that time Irwin, he made a pact with Gandhi ji which is named as Gandhi Irwin pact in 1931. ye ek tarah se Gandhi ji ko manane ke liye pact kiya gaya tha ki ab Gandhi ji second round table conference mein participate karne ke liye he will go to London
and there he would be a party to it, right? So that was in the time period of Lord Irwin. Then we have Kemnel Award after the failure of third round table conference. At that time, Lord Wellington was the Viceroy of India. So Kemnel Award, Pune Pact, right? So that was between the Gandhiji and Dr. Bhimrao Ambedkar. So all these have been done. Second round table conference, third round table conference, and separate electorates that are under the Kemnel Award, right? And Government of India Act 1935. So all these were in the time period of Lord Wellington. Now, देखो ये जो Kemnel Award था, ये basically क्या था? कि Mohammedans के लिए separate as well as right. So these were at the time of Lord Wellington. Then provincial autonomy 1937 at the time of Lord Linlithgow. Cripps Mission in India 1942. Quit India Movement Lord Linlithgow. Right. And then we have Lord Wavell, who was the for up to 1946 Cabinet Mission and INA trial, Indian National Army trial, as a time period of Lord Wavell, right? At the time of independence, Lord Mountbatten, he was the Governor General of India, right? And at the time of partition, he was the Viceroy partition, Lord Mountbatten. And after Lord Mountbatten, after the India got independent, he was made the first Governor General of India, right? So these are the major facts. Then we have the list of here Governor Generals. Earlier they are called as Governor Generals by the Britishers. First Governor General was Lord Hastings in 1772 to 1785. Then Lord Cornwallis, a very successful Governor General, Sir John Shore. Then we Lord Wellesley, Lord Minto, right? Lord Hastings. Lord William Bentinck in 1828 to 1835, Baron Ellenborough 1835 to 1842, William Wilberd, Lord Hardinge, Lord Dalhousie. Lord Dalhousie policies of the Lord, because Lord Dalhousie was very strict, and policies of Lord Dalhousie have somewhere made India first freedom struggle. Then we have Lord Canning, right? Lord Canning, he became the first Viceroy of India. Lord Canning from 1858 to 1862, right? Then we have from 1862 to 1863, 8th Earl Elgin. Then Robert Napier, William T. Denson, right? Earl of Mau. Then we have Baron North, Lord Lytton. Now, these are very important for us. Lord Lytton, Lord Ripon from 1880 to 1884. Then Congress came 1885. At that time, Lord Dufferin, right? Then we have Lord Lansdowne from 1888 to 1894. Lord Elgin, Lord Curzon is very important in history because of the partition of Bengal. Lord Minto. Now all are because number of events have been at their time period, right? Lord Chelmsford, Montague Chelmsford reforms. Lord Reading 1921 to 26, Lord Irwin, right, Lord Wellington from 1931 to 36, 36 to 1942, Lord Linlithgow, then Lord Wavell from 1942 to 47, and Lord Mountbatten 1947. Then Governor Generals of India Union, that is first Governor General Lord Mountbatten from 15th August 1947 to 20th June 1948, and first Indian Governor General was made as C. Rajagopalachari. So these are the some major facts about Governor General and Viceroys. So this is end to our session. We have made separate sessions on the Governor General as well as on the Viceroy. There we tried to have a detailed structure about these, their acts, their achievements. For more videos, you may log into our website www.dineshmiglani.com, where you will find all videos related to mathematics, reasoning and English and GK in a proper way. Thank you very much.